नमस्कार दोस्तों मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टूजेट बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उनमें से जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनके लिए तो अत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं लिंक है उसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही दो मिनट में कैसे चेक कर सकते हैं साथ ही दोस्तों इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है तो कौन सा बैंक खाता लिंक है क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के दो या तीन सेविंग अकाउंट होते हैं तो उनमें से उनका कौन सा सेविंग अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है उसकी जानकारी उन्हें होना आवश्यक है और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तब आप उसे अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से कैसे लिंक कर सकते हैं इस पर भी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तब आगे से आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा चाहे उसमें वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलना हो या फिर आपको किसी भी सरकारी योजना के माध्यम से कोई भी अनुदान यानी सब्सिडी मिलनी हो या फिर खाद बीज की सब्सिडी हो या फिर आपको किसी प्रकार की कोई भी सब्सिडी मिलनी हो तो कुल मिलाकर के आगे से आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सत्रह अक्टूबर को जो भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं उन सभी के मोबाइल नंबर पर जिनका भी मोबाइल नंबर पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो सभी लोगों को एक मैसेज आया है सरकार की तरफ से और उसमें साफ कहा गया है कि आपको अपना बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक करा लेना है तो दोस्तों अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो इस बार आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पीएम किसान योजना की बारहवीं किस्त नहीं दी गई है क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि जो ग्यारहवीं किस्त थी योजना की वो बारह करोड़ से अधिक किसानों को दी गई थी और इस बार की जो बारहवीं किस्त है वो आठ करोड़ किसानों को ही दी गई चार करोड़ किसान इस योजना से बाहर हो चुके हैं उन्हें यह बारहवीं किस्त नहीं मिली है तो दोस्तों अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आज ही आप उसे लिंक करवा लें सबसे पहले आप अपने मोबाइल के माध्यम से उसे चेक कर लें कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है क्योंकि दोस्तों आप लोग जब पीएम किसान का बेनिफिशरी स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर जिनका भी पी का जो स्टेटस है अगर वहां पर रिजेक्टेड हो चुका है तो इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है यानी आपके पी में कोई भी प्रॉब्लम है चाहे वो रिवेलिडेशन की प्रॉब्लम हो या फिर लिखा हो कि बैंक नॉट रिस्पॉन्ड या फिर अप्रूवल बाई स्टेट यानी पी में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है पी एफ एम एस का काल होता है मैं आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये पी एफ एम एस का जो ऑप्शन होता है आपके बेनिफिशरी स्टेटस में अगर इसकी वजह से आपको किस्त नहीं मिली है तो इसका साफ मतलब ये है कि आपका जो बैंक खाता है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो दोस्तों आज ही आपको अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लेना है दोस्तों अब मैं ले चलता हूं आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग दो मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है और लिंक है तो कौन सा बैंक खाता आपका से लिंक है चूंकि दोस्तों मान लीजिए आपका कोई दूसरा बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है और आपने अपनी किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए कोई दूसरा बैंक खाता दे दिया तब दोस्तों उस खाते में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो आपको यह भी पता होना आवश्यक है कि आपका कौन सा बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है वही अगर नहीं लिंक है कोई भी बैंक खाता आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं है तब दोस्तों उसे आप कैसे लिंक कर सकते हैं उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही साथ बेलाइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं लिंक है और अगर लिंक है तो कौन सा बैंक खाता आपका एनपीसीआई से लिंक है उसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है जैसे ही ब्राउजर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आप सर्च बार में लिखेंगे यू जैसे ही आप यू आई डी आई लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा सबसे ऊपर देखेंगे जो यू आई डी आई के ऑफिशियल साइट है यू आई डी आई डॉट जी ओ वी डॉट इन इसी पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है लैंग्वेज सिलेक्ट करने को दोस्तों यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा अब दोस्तों आप इधर लेफ्ट कार्नर में देखेंगे थ्री लाइन्स बनी हुई है इन थ्री लाइन्स पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको माई आधार का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप माई आधार पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे आपको कई सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सबसे ऊपर माई आधार है गेट आधार है अपडेट योर आधार है उसके नीचे है आधार सर्विसेज तो आपको आधार सर्विसेज पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे आप आधार सर्विसेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है इस डाउन करते हुए नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे आधार लिंकिंग स्टेटस धार एंड योर बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस आधार लिंकिंग स्टेटस इज फेस्ड फ्राम एन पी सी आई सर्वर दोस्तों यहां पर साफ लिखा है कि आपका जो आधार है बैंक खाते में और एनपीसीआई के सर्वर से लिंक है या फिर नहीं है इसका स्टेटस जानने के लिए आपको नीचे लिखा है चेक आधार एंड बैंक लिंकिंग स्टेटस इसी पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस इसके नीचे लिखा है चेक योर आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस इन एन पी सी मैपर यानी आपका जो आधार है वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो एन से मैप है या नहीं है इसे जानने के लिए नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है वर्चुअल आईडी और आधार नंबर का तो आप चाहे तो इसमें अगर वर्चुअल आईडी डी डाल कर चेक करना चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी डाल सकते हैं या फिर आप अगर आधार नंबर डालकर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आधार नंबर पर टिक कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बारह डिजिट की जो आधार आई है जो आधार नंबर है वो डाल देना है और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर जैसा एक कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है सेम ऐसा ही डाल देना है और नीचे जो सेंड ओ का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों ओ हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है वो ओ दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है जहां पर इंटर ओ टी पी लिखा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो ओ आपके मोबाइल पर आया है वो ओ टी यहाँ डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन नीचे है आधार नंबर आपके आधार नंबर के लास्ट फोर डिजिट दिखाए जा रहे हैं उसके बाद बैंक लिंकिंग स्टेटस यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है यानी आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव है बैंक लिंकिंग डेट लिखी हुई है सोलह छः दो हज़ार पंद्रह यानी आपका जो बैंक खाता है उसमें जो आधार और एन से लिंक हुआ है वो सोलह जून दो को लिंक हुआ था बैंक का नेम नीचे मिल जाएगा यहाँ पर मेरा आर्यावर्त बैंक है तो यहाँ पर आर्यावर्त बैंक लिखा हुआ है आपका जो भी बैंक होगा वो लिखा होगा तो दोस्तों आप लोग इस तरह से बहुत ही आसानी से सिर्फ दो मिनट में अपने मोबाइल से ही पता कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता एन से लिंक है या फिर नहीं है और अगर नहीं लिंक है तब दोस्तों आप कैसे लिंक कर सकते हैं वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ उसका लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिर भी मैं आप लोगों को शार्ट में बता देता हूँ कि दोस्तों आपको इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है हाँ दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आपका बैंक खाता एन से लिंक है या नहीं तो दोस्तों आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है तभी आप लोग इस तरह से चेक कर पाएंगे अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तब आप लोग चेक नहीं कर पाएंगे साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को अब ये बता देता हूँ कि आप कैसे अपना बैंक खाता एन से लिंक कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको बैंक जाना होगा वहाँ पर आपको फॉर्म मिलता है उस फॉर्म को प्रॉपर फिल करके आपको ब्रांच में जमा करना होता है इसका ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं होता है आप बैंक जाएंगे ब्रांच विजिट करेंगे और वहाँ पर जो फॉर्म है उसे फिल करके आप अपने आधार कार्ड की एक फोटो काीपी अपना अकाउंट नंबर लिख करके एक अपीलीकेशन के माध्यम से उन्हें देंगे आपका खाता एन से चार से आठ दिन में लिंक हो जाएगा और दोस्तों पंद्रह दिन बाद अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्टेटस दिखाने लगेगा दोस्तों ऐसा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ ही साथ चैनल पर नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है अगले वीडियो में किसी सेक्लैंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तक जय हिंद जय भारत